जनपद बिजनौर के पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने जनपद में मोबाइल चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए अभियान चलाया, जिस कड़ी में आज स्वाट टीम थाना कोतवाली शहर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सूचना पर बक्शीवाला रेलवे फाटक से 4 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में भिन्न भिन्न कंपनियों के मोबाइल व 2 लैपटॉप बरामद किए गए। शातिर चोरों के पास से 2 तमंचा, 315 बोर, 2 चाकू, 4 कारतूस बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा, कहा ये शातिर चोर जनपद व जनपद के आसपास से जिलों में रेकी कर मोबाइल लैपटॉप को चोरी की घटना को अंजाम देते थे। उन्होंने बताया बरामद किए गए मोबाइलों की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। इन सभी शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। 21/7/2022 को शाम 18 बजे मुखबिर खास की सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस ने बाईपास रोड रेलवे फाटक के पास से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। शावेज, आदिल, कासिफ और खालिद, ये सभी के सभी जो हैं मोबाइल चोरी, लैपटॉप चोरी और उसके पुनर्विक्रय का काम करते हैं। इनके पास से 52 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप HP कंपनी के, 2 अवैध तमंचे, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस, 2 चाकू नाजायज बरामद हुए। इनमें से 1 लैपटॉप और 4 मोबाइल फ़ोन जो थे वो हमारे बिजनौर के चोरी के थे। शेष के क्रम में अभी सर्विलांस की टीम लगी हुई है और उनको हम कनेक्ट करके अब इन्होंने मेरठ, मुरादाबाद, आसपास के जनपदों में ये चोरी रेकी करते हैं और चोरी करते हैं। तो अभी जो 52 मोबाइल मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, इनके IMEI नंबर से हम इन्हें केसों से कनेक्ट करके शेष केसेस का भी अनावरण कराएंगे। अभी हमारे एक केस से जुड़े मोहल्ला ज्ञान विहार में एक घर से जिन्होंने चोरी की तो वो हमने बरामद किए हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है और शेष केस खुलने पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई भी की जाएगी। क्या चार हैं और भी हैं कोई इनके अलावा? और कुछ नहीं, इनका तो गैंग इतना ही है फिलहाल। और अभी विवेचना के दौरान अगर पता चलेगा तो देखते हैं।